नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज मैं आपको अपने चैनल हेड रामानंद पांडे के खिलाफ रची गई साजिश की सच्चाई बताना चाहती हूं, जिसे जानने के लिए आप पिछले 3 सप्ताह से इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच करने की बात कह रही है, लेकिन सच्चाई देखकर आपका पुलिस प्रशासन और भ्रष्ट नेताओं पर से विश्वास उठ जाएगा। हमारे चैनल हेड के ऊपर पैसे मांगने के लगाए गए आरोप निराधार हैं। इससे साक्ष्य भी हमारे पास हैं। पहले दिन ही हमने पुलिस विभाग के अधिकारियों को और आपको भी बता दिया था। इतना ही नहीं, CCTV के फुटेज भी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए थे। घटना दिनांक को ही मेरे द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त FIR भाजपा के सिमरिया विधायक के पितृपाठी के दबाव में आकर चोराटा थाना प्रभारी विद्या आदित्य तिवारी ने बनखुइया युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित पांडे से शिकायत करवा कर दर्ज कराई है। वहीं सत्ता के दबाव में आकर थाना प्रभारी ने देशभक्त जन सेवा की शपथ भूलकर कुर्सी बचाने के लिए विधायक के सामने नतमस्तक हो गए और बिना जांच किए ही अलग अलग धाराओं के तहत चंद मिनटों में ही मामला पंजीबद्ध कर दिया। लेकिन सच्चाई कहाँ छिपने वाली थी? सच सच होता है और झूठ झूठ। शिकायतकर्ता ने जिस समय पैसा मांगने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई, उसकी पुलिस ने जांच पड़ताल नहीं की, जबकि उस शिकायत को झुठलाने का सबसे बड़ा प्रूफ मोबाइल लोकेशन और CCTV कैमरे थे, जो पत्रकार रामानंद पांडे के घर और कार्यालय में लगे हुए हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि जिस वक्त शिकायतकर्ता ने अपने साथ मिलकर दबाव बनाने की बात कही है, उस समय हमारे चैनल हेड अपने घर परिवार के साथ में थे और इसका साक्ष्य उनके आवास में लगे CCTV कैमरे हैं। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस कराई जा सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा विधायक का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार, जनता की आवाज़, पीड़ा को दिखाने से रामानंद पांडे को रोका जाए, जिसके लिए विगत लंबे समय से ही प्रयास किया जा रहा था। पहले खरीदने का प्रयास किया, नहीं बिके तो धमकी दिलवाई, और जब हम अपने कर्तव्य पथ पर बिना डरे सच्चाई से डटे रहे तो हमारी न्यूज़ वैन में तोड़फोड़ तक कराई गई। इतना ही नहीं, हमारे चैनल हेड को अन्य जिन मीडिया घरानों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन पर भी दबाव बनाया गया। इसके बावजूद हम दर्शकों के प्यार के चलते आपके सामने हैं और साजिशकर्ताओं से डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। हालांकि पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जाँच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से सत्ता के दबाव में आकर पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए ही FIR दर्ज कर दी, इसे बहुत आशा नहीं है कि पुलिस से न्याय मिल ही पाएगा। सत्ताधारी विधायक के दबाव में दर्ज किए गए FIR को झूठा साबित करने आपको वो CCTV वीडियो दिखाती हूँ, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि शिकायतकर्ता अमित पांडे ने रिपोर्ट कैसे अपने और अपने आकाओं के कारनामों को दबाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में ये लिखाया है कि रामानंद पांडे 12 तारीख की सुबह 7 बजे उनसे मिलने बनकुइया मोड़ पर पहुंचे थे, जबकि आप देख सकते हैं कि रामानंद पांडे उस समय अपने घर में मौजूद है। सोचिए कितना अन्याय हो रहा है। जब मीडिया के साथ ये हो सकता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? प्रशासन कितना भ्रष्ट है कि सुबह 9 बजे सोकर उठने वाले व्यक्ति को 7 बजे अवैध कारोबारी से मिलने घर से 12 किलोमीटर दूर बनकुइया पहुंचना दिखाकर FIR दर्ज करा दिया, जो कि सरासर गलत है। CCTV में कैद हमारे चैनल हेड 11 तारीख की शाम 7:09:40 पर अपने गायत्री मंदिर रोड स्थित कार्यालय से घर पहुंचे। इसके बाद वो रात में 9:18 पर साइकिल से घूमने निकले और करीब 10:06 में फिर से घर वापस पहुंचे। पूरी रात घर में बिताने के बाद 12 जनवरी की सुबह 9:02:07 पर घर का दरवाजा खुलता है, लेकिन थाना प्रभारी ने बिना जांच किए ही मन धड़क की गई सुनियोजित शिकायत पर सुबह 7 बजे शिकायतकर्ता से मिलने बनकुइया जाना दिखाकर FIR दर्ज करा लिया। ये वही पुलिस है जो शरीर में चोट के निशान देखने, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी जांच कर FIR दर्ज करने की बात कर आम जनता को टाल देती है, पर सत्ताधारी विधायकों के दबाव में सारे नियम कायदों को दरकिनार कर वसूली वाष्टियाई किसी के भी खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर लेता है। उसमें पुलिस जांच नहीं कर रही है, मामले को ठंडा करते उसमें गोल मोल जवाब दे रही है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस जांच नहीं कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और जो खुल के लिखते हैं पत्रकार लोग तो प्रशासन प्रशासन सभी को तकलीफ हो जाती है कि वो अपनी बात ना रखें, तो एक दबाव बनाने के लिए हथकंडा है पुलिस का, सरकार का, उसमें बैठे लोगों का, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो उनको तकलीफ हो रही कोई मामला आपने उजागर किया है
तो ये करते हैं सब जगह ये होता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए, पत्रकारिता के लिए, क्योंकि ये तो वही लोकतंत्र का स्तंभ है, इसको एक ढंग से वो करेंगे। आप लड़ रहे हैं ये आपकी खूबी है, लेकिन कोशिश उनकी यही रहती है कि आप लिखना बंद कर दें, उनके अंग बन जाएं, उनके लिए जिस ढंग से है कुछ गलत सही जो भी है उनके बारे में ही आप करते रहें, तो ये गलत तरीका है। पुलिस को की जो भी यहाँ अधिकारी हैं, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी, उनको संज्ञान में लेना चाहिए इस मामले की, CID जांच कराएं, अपने स्तर पर जांच कराएं, और जान रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी मामला ले जाके अदालत में करना है तो फिर आपके खिलाफ भी हम कोई शिकायत करें तो आप उसको भी ले जाइए, तब तो उसकी जांच करेंगे, और इसकी जांच नहीं करेंगे तो ये दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। ये दोहरे मापदंड जो चलते हैं कि वही अजीज हम शिकायत कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई शिकायत हो रही है विधायक के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उसकी जांच आप नहीं करोगे, उसमें आप सीधे सीधे उठा के वो कर दोगे है? तो ये अगर आप काम नहीं करते है? झूठा काम कर रहे हो, आप आश्वासन देते हो हम दिखाते हैं, आपने भूमि पूजन किया हम दिखाते हैं, विकास नहीं हुआ हम दिखाते हैं कि आपने विकास नहीं किया, तो आप मामला दर्ज करा दो, ये कैसी राजनीति? ये तो बहुत ही गंदा तरीका है कि आपको जैसे मीडिया का काम है वो तो अपने ढंग से कवरेज करेगा, लेकिन उसका काम दोनों चीजें हैं, सच्चाई भी दिखाना है झूठ भी दिखाना है, आईना दिखाने काम है, तो झूठ और सच जो भी होगा हम तो आईना दिखाते हैं, सच और झूठ दिखाते हैं। सच और झूठ की बात नहीं है, माने वो अपने आप जनता को दिखने लगेगा ना, जैसे यहाँ पर ये आप दिखा देंगे कि जय जय संघ कौन सा है तो समझ में आ जाएगा कि ये जेपी सीमेंट का है, इसी तरीके से आप लोगों का है कि आपका काम है आईना दिखाना, किसी चीज पर रोशनी डालना, तो जो जिसका रंग होगा जो रूप होगा वो दिखने लगेगा, तो वो रंग रूप दिखेगा तो आपको तकलीफ होगी कि आपने हमारे में ज्यादा पाउडर क्यों नहीं लगा दिया, हम खूबसूरत क्यों नहीं दिखाया, जैसी आपकी सूरत होगी वैसी आप दिखोगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज, नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।